नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। मैं हूं प्रियंका। हम अपने कार्यक्रम में ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो लगातार समाज और राष्ट्र के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, और आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल, जो कि इंटरवेंशनल हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, और साथ ही साथ मेट्रो ग्रुप अस्पताल में कार्डियोलॉजी के निदेशक, जिन्हें देश में इंटरवेंशनल तकनीक हृदय शल्य चिकित्सा को खोलने में शुरू करने के लिए गौरव प्राप्त है। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भारतीय प्रशंसित हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें अपने योगदान एवं उपलब्धियों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2009 में पद्म विभूषण और डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो देश में पहली बार इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में अग्रणी अद्वितीय है। डॉक्टर लाल वर्तमान में मेट्रो ग्रुप समूह अस्पतालों के अध्यक्ष एवं मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के निदेशक हैं, जिन्होंने इंटरवेंशनल तकनीक की बड़ी संख्या में हृदय शल्य चिकित्सा को खोलने के लिए एक विकल्प के रूप में शुरू करने के लिए गौरव प्राप्त है। डॉक्टर लाल विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में प्रशिक्षित किए गए, जो कई फेलो एवं संगठन के सदस्य हैं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, जैसे कि आपको पता होगा, इसमें हम कैथेटर एक डालते हैं हार्ट के अंदर लोकल एनेस्थीसिया में, जिसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं, और उससे हम हार्ट की तरह तरह की हम प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। ज़्यादातर जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उनको चार हिस्सों में बांटते हैं मोटे रूप पर। एक होता है हार्ट में बचपन से छेद होना, और छेद के साथ साथ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और दूसरा जो कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉक आना, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं, और जब वो आर्टरी बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक बोलते हैं। और तीसरी आती है जब वेल बंद होता है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैथेटर से तंग वाल्व को खोलते हैं, जिसको हम वाल्वोप्लास्टी कहते हैं। इसी तरह पेल्पिटेशंस के लिए, जहाँ हार्ट बीट जब बहुत स्लो होती है, तो पेसमेकर वगैरह डालते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं, ओपन हार्ट सर्जरी को उससे बचाने के लिए ये जो सभी प्रोसीजर्स हैं वो हम करते हैं। अब तो हमने अपनी डिग्री अमृतसर से की थी जी सर। और करने के पश्चात हम अमेरिका चले गए, और अमेरिका में हमने इसकी ट्रेनिंग हासिल की। उसके साथ साथ हमारा जो एक्सपोजर यूके में भी रहा, जर्मनी में भी रहा, और लगभग 17-18 साल के बाद हम इंडिया में वापस आए। और बीच बीच में हमारे चक्कर लगते रहे थे, और उसमें ये जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी हमारे देश में उन दिनों में, जैसे कि 88, 90, 91, काफ़ी प्रिमिटिव थी। उन दिनों में हम इतने प्रोसीजर्स यहाँ नहीं करते थे, तो मुझे अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का मौका मिला, और काफ़ी डॉक्टरों को ट्रेंड करने का भी मौका मिला। और यही एक रीजन था कि मैं अपने डॉक्टर को ट्रेन कर पाऊँगा, अपने कंट्रीमैन की सेवा कर पाऊँगा। हम अमेरिका छोड़कर वापस आए। डॉक्टर साहब, आप अनुसंधान के क्षेत्र में खुद की बहुत सारी तकनीक अपनाया, और उन प्रक्रियाओं का जो है
आपने प्रदर्शन भी किया देश विदेशों में, तो इसके बारे में कुछ देखो ऐसा है कि ये प्रोसीजर्स हैं आजकल हम सभी हॉस्पिटल में कर रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। हमारा देश जो है हमारे फील्ड में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में किसी और देश से कम नहीं है। और जहाँ तक डिफरेंट प्रोसीजर्स का सवाल है जो कि प्रतिक्रिया जो हमसे इंट्रोड्यूस हुई या हमें चांस मिला इंट्रोड्यूस करने का, वो काफ़ी हैं। और उसमें जैसा कि आजकल हम आर्टरी में स्टेंट डाल रहे हैं, आर्टरी को हम बड़ी तेज स्पीड से डायमंड ड्रिलिंग कर रहे हैं कैल्सीफाइड आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए, खोलने के लिए ब्लॉक्ड कैल्सीफाइड आर्टरीज को। इसी तरह हार्ट का जो छेद है बिना ऑपरेशन के उसको बंद करने के और तंग वाल्व को खोलने के, तो ऐसी कई जो हैं प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं। और इस समय ऐसे प्रोसीजर लगभग काफ़ी डॉक्टर जो हैं ट्रेंड हो गए हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है खासकर यंग गर्ल्स में, अगर उसका स्कार पड़ जाए तो एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है, शादी होने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस में जब हम एक सपोज कोई लड़की है उसके हार्ट में छेद है और उसको बंद करना ज़रूरी है, ऐसे छेद को अगर हम बिना ऑपरेशन के बंद कर देते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। हमारे याद है कि लगभग 21-22 साल पहले हम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में आया करते थे, उन दिनों में पहला जो एक पेशेंट था सुरेश बाबू, 19 साल की उम्र थी और वो कॉलेज स्टूडेंट था, तो उसकी माता जो कि तमिल बोलती थी हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन थ्रू द ट्रांसलेटर वो हमेशा यही कहती थी कि आप के हाथों से मैं अपने बेटे का बिना ऑपरेशन के छेद बंद करवाऊंगी। और उसने इस चीज़ के लिए लगभग 1.5 साल वेट किया, लेकिन वो हर महीने हॉस्पिटल में आती थी ये पता करने के लिए कि आप कब करोगे। सो ये एक इंस्पिरेशन जो पेशेंट की सुरेश बाबू की मदर से मुझे मिली और मैंने एक मन बनाया कि इस छेद को हम बिना ऑपरेशन के बंद जरूर करेंगे। और उसी इंस्पिरेशन के साथ हमने ये 91-92 में पहला केस मोनोडिस्क डिवाइस के साथ किया। ये पर्टिकुलर डिवाइस के साथ पहला केस वर्ल्ड में पहले ही था। और लेकिन इससे जो आजकल बहुत अच्छी अच्छी डिवाइसेस आ गई हैं और ये एक ब्लेसिंग है फॉर द यंग पीपल कि उनको चीर फाड़ नहीं करवानी पड़ती और सोशल स्टिग्मा या मैनी प्रॉब्लम्स यू नो उससे एक राहत मिलती है। और जब हम डिवाइस से प्रोसीजर कर देते हैं तो ये एक तरह का परमानेंट ही होता है। आपको बता दें कि डॉक्टर लाल ने कहा है कि हाथ में छेद को बिना ऑपरेशन के बंद किया जा सकता है, जिसका अपोलो अस्पताल में पहला प्रदर्शन भी किया गया। और आइए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व के साथ। के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम व्यक्तित्व में। डॉक्टर लाल कई फेलो और संगठन के सदस्य हैं और डॉक्टर लाल का कहना है कि मरीज और डॉक्टर में रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है, जिससे मरीज की आधी बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए हमेशा संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर लाल गहरा ज्ञान और अपने लंबे करियर के दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करते रहे। डॉक्टर लाल शिक्षण और मेडिकल के छात्रों को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक प्रसार और गतिविधियों में शामिल हुए। उन्हें
अनुसंधान और व्यवसायिक उपलब्धियों के लिए देश में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में अपनी खुद की तकनीक विकसित करके कई मामलों पर देश और विदेशों में बड़ी श्रृंखला के साथ प्रदर्शन किया, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शामिल है, जिसके लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। सर, आप कई फेलो के और संगठन के सदस्य रह चुके हैं, तो इसके बारे में क्या है? देखो, ऐसा है कि ये कई बार मौका मिलते हैं, आप लोगों के या डॉक्टरों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, तो ऐसे में हम दिल्ली मेडिकल काउंसिल के भी मेंबर हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी बोर्ड ऑफ गवर्नर वन ऑफ द मेंबर हैं, तो उसमें हमें काफ़ी सीखने को मिला। और मैंने ये देखा कि इंडिया में जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है बहुत डिस्टर्ब हो गया है। जब हम MBBS करके बाहर गए थे अमेरिका में, तो पेशेंट जो थे वो डॉक्टर को भगवान समझते थे, और जब हम वापस ज्वाइन किया इधर दिल्ली आकर 96 में, तो देखा कि यहाँ तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, और मैंने देखा है ये ज़्यादातर जो इसका बेस है वो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। तो डॉक्टर्स को पेशेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, उनको अपने रिश्तेदार मानकर चलना चाहिए, और अगर वो पूरी श्रद्धा से अपने डेडिकेशन से पेशेंट का इलाज करेंगे तो ये केसेस जो हैं ऐसा वो बंद हो जाएंगे। और हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, हम बहुत मेहनत करते हैं, पेशेंट को अडॉप्ट करते हैं, और बहुत खुशकिस्मत भी रहे हैं कि ऐसे केसेस के लिए हम कोई शिकार नहीं हुए। लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो यही है कि आपको पेशेंट को अपना रिश्तेदार मानना होगा, और उसी के कारण जो आपको शक्ति मिलती है इस नोबल प्रोफेशन में। और ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो अभी भी गॉड के तरह समझते हैं। सो ये जो सिस्टम रिवर्स हो गया ओवर द लास्ट 30 इयर्स 35 इयर्स, तो उसको हमें लाइन पर लाना होगा, और सभी डॉक्टरों को अपने पेशेंट को अडॉप्ट करके अच्छी तरह ट्रीट करना होगा। आप शिक्षण कार्य में भी काफ़ी भावुक रहे हैं और इनके प्रसार प्रचार के लिए गतिविधियों में शामिल रहे हैं, मेडिकल के छात्रों को भी आपने पढ़ाया है। जी बिल्कुल सही है, अमेरिका में था मैं, क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत जल्दी बन गया था, और मेडिकल जो स्टूडेंट थे हमारे क्लिनिक्स में रोटेट करते थे जहाँ हमें लेक्चर देने पड़ते थे। और ये जो पढ़ाने का जो एक एंजॉयमेंट होती है वो अलग टाइप होती है। अभी भी जो डॉक्टर्स हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ इन्वॉल्व होना उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन ज़्यादा जो देखा है हमारा जाकर बहुत ज़्यादा लेक्चर देने या बहुत ज़्यादा समझाना, जो कि मुझे करना चाहिए, तो उसमें जैसा कि मैंने बोला जितना मुझे चाहिए मैं कर नहीं पाता, और उसकी बजाय मेरा ज़्यादा जो टाइम है वो पेशेंट्स की जो असली जो प्रोसीजर्स हैं वो करने में जाता है। क्योंकि मैं भले ही सीनियर हूँ लेकिन मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो लो मिडिल क्लास के होते हैं, बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करके लाए होते हैं, हम भी उनको बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन हम उनके जो ऑपरेशन हैं बिना किसी जूनियर से खुद करते हैं, और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है। आफ्टर ऑल
हमारा इतना लंबा एक्सपीरियंस है, उन हर चीज़ में एक्सपीरियंस का फ़ायदा तो होता ही है, और उससे ये जो पेशेंट के मन में भी और हमारे मन में काफ़ी जो एक शांति रहती है। और ज़्यादा टाइम जो मेरा है वो एक रियल प्रोफेशनल की टाइम ही गुजरता है, और जितना मुझे बाहर कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन या पढ़ाने में लगाना चाहिए उतना मैं कर नहीं पाता। डॉक्टर लाल ने कहा कि हमारे पास लो मिडिल क्लास के फैमिली इलाज के लिए लोग आते हैं जिन्हें मदद भी करते हैं वो, और अपने अनुभवों के साथ खुद ऑपरेशन करते हैं, मरीजों का पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो वाकई डॉक्टर लाल हर तरह से मरीजों की सहायता करते हैं। आइए एक बार फिर से रुकेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम में एक छोटी से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम व्यक्तित्व में। डॉक्टर लाल कहते हैं कि उन्होंने दिल की बीमारियों का कारण निवारण के लिए कई किताबें लिखी हैं और कई पत्रों में व्याख्यान भी दिया है। डॉक्टर लाल ने अमेरिका में 15 साल बिताने के बाद भारत वापस आने का फैसला किया और जरूरतमंद गरीबों की सेवा के लिए सबसे सस्ती कीमत पर नवीनतम हृदय प्रक्रियाओं के सिलसिले में 9 राज्यों में अत्याधुनिक कला अस्पतालों को स्थापित करने और मार्गदर्शन करने का फैसला किया। गरीब मरीजों की बड़ी संख्या में मुफ्त रियायती दरों पर इलाज किया, उन्होंने विकास के लिए अहम भूमिका निभाई। उनके इस योगदान को विश्व में जाना